इफ्तिखार बाबा ने छक्का मार दिया। ये मंकी जम्प, मंकी जम्प चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अल्लाह का शुक्र बोल, अल्लाह का शुक्र बोल, बदमाशी नहीं कर। मत की आंखों में खुशी के आंसू चेक करें। अल्लाह का शुक्र, जल्दी सजदे में जा। क्या हार्ट बीट चल रही है सर पूरे पाकिस्तान में। चौका हो गया, खत्म, हार गया। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सो गाइस यार, आपको जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि भाई इस बॉस की कॉल आई थी कि सुबह ऑफिस जाना है, मीटिंग है। अच्छा, मगर क्यों भाई? 9 बज रहे हैं भाई। अहमद को तो जारी बात है, मैंने सुबह 7:30 स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद जारी बात है सोना तो बनता ही नहीं, 9 बजे ऑफिस जाना था। तो गाइस आपको रेडी हो गया है, ऑफिस जाने के निकल रहा हूँ, मीटिंग है, तो आप लोग भी चले मेरे साथ। नहीं, स्टॉक उठाना है वहाँ पे, जो हमारा महीने के एंड में स्टॉक बनता है वो उठा के लेकर आना, तक भाई घंटा डेढ़ घंटा लगेगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। उसके बाद अहमद को लेंगे और बस आज मैच भी मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान और श्रीलंका का गाइस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है आज भी। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस में चल के जो काम है वो निपटा के आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो गाइस निकलते हैं, लाइटें वाइटें बंद करते हैं, रेडी होगी आपका भाई, और दरवाजा बंद करते हैं। सबसे पहले लोहे कुरानी है, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह लोहले वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया यार, इतना बड़ा भुलक्कड़ आदमी, मेन चीज़ घर की चाबी और बाइक की चाबी तो मैं भूल के जा रहा हूँ। ये देखिए टंगी, ये देखिए, होता है फिर जल्दी जल्दी यार, काम शैतान का ही होता है भाई, समझ रहे हो? जब जाहरी बात चाबी लेके नहीं आता तो गाड़ी कहाँ से खोलता, बाइक कहाँ से खोलता। चलो दोबारा दरवाजा बंद करो। बिस्मिल्लाह वजह अल्लाह बिन भाई आई दिन सद्दम खल्फ बिन सद्दम फरसे ना फहम लागी फिरून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम जुगुद लागी। ये भाई चलते हैं और करके आते हैं अपने काम सारे फारिग करके, के बाद सुकून से मैच देखेंगे भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सन्नाटा पड़ा हुआ गली के अंदर भाई, सब सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, मज़े से सो रहे हैं। तो गाइस जिस काम के लिए जा रहा हूँ भाई, स्टॉक निकलवाने के लिए पैसे चाहिए, जाहरी बात है पहले मारते हैं एटीएम और उसके बाद निकलते हैं ऑफिस। इंग्लिश पिन नहीं बताऊंगा। तो भैया देखते हैं एटीएम चल रहा है नहीं चल रहा, गाइस पैसे निकालते हैं फिर चलते हैं। गाइस ऑफिस आ गया हूँ भाई, और मेरे बॉस भी आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, हमारा ये ऑफिस है भाई सिंधी मुस्लिम पे। ये हमारे बॉस साहब भी आ गए, रियाज भाई हमारे बॉस हैं। कितने दिनों बाद सुबह सुबह आ रहे हैं ना हम लोग हैं? और यहाँ पे खैरियत है? तो इससे भी सुबह कर रहे। अच्छा तुम कहाँ से आ रहे हैं भाई? डेट वेट मार के आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में बैठा हूँ अपने ऑफिस के रूम में, ये देख सकते हैं हमारा ऑफिस का रूम है भाई, जो हमारी मीटिंग होती है। तो अभी मैं और रियाज भाई आए हैं, बाकी तो अभी कोई आया नहीं है ऑफिस में, सारे लोग आए भी नहीं अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर में, और हम जल्दी आ रहे हैं। तो एनीवेज बैठे हुए वेट कर रहे हैं, देखते कब आते हैं भाई। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटर से फारिग हो गया हूँ भाई, अब जा रहा हूँ घर पे सामान वामान रखूंगा, उसके बाद अहमद की छुट्टी होगी 12:30 बजे, अहमद को लेंगे तो नाश्ता वास्ता करेंगे, और फिर दिन देखते हैं हमारा क्या प्लान है। फिलहाल अभी तो फिलहाल यही प्लान है कि भाई देख सकते हैं बाइक पर सामान टंगा हुआ है, आगे टंकी पे सामान रखा हुआ है, ये सामान पहले घर पे रखेंगे उसके बाद जान किस करते हैं। घर पर आ गया भाई, सामान वामान रख दिया मैंने, 12 बज रहे हैं भाई, अभी मुहा धुआ धो के अहमद को लेने जाएंगे, उसके बाद नाश्ता लेते हुए आएंगे गाइस। तो आज पूरी प्रॉपर रूटीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, पूरी मुँह हाथ धो लूँ यार, फिर मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। भाई मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गया हूँ भाई, अब टाइम हो रहा है अहमद को लेने जाने का। लाइटें मैंने पहले बंद कर दी, अंधेरा हो गया, तो इसमें देखूँ चाबी वाबी तो मैंने नहीं निकाली थी। हाँ चाबी है ही भाई, दरवाज़ा करते हैं लॉक और चलते हैं अहमद साहब को लेने स्कूल। सभी दिन आ रही, लेकिन मैंने कल भी सुबह 7 बजे का उठा था, आज भी सुबह तकरीबन 6 बजे का उठा हूँ, और कल रात को भी नहीं सो पाया, एडिटिंग करनी होती है, आपको पता था कि मैं रात को 5 बजे फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा लेटा था, तो नींद इतनी शदीद आ रही थी, कोई हद नहीं जा रहा, बिस्तर मिले ऐसी कुछ सो जाए आपका भाई बस। तो अभी बाहर अहमद को लेने चलते हैं, और चलना चलते हैं स्कूल। अहमद को लेने स्कूल आ गया हूँ भाई, तो देख सकते हैं पेरेंट्स की कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई होती है, और मेरा नंबर आज भी बहुत देर में भाई। अहमद आ गया भाई, और नाम कॉल हो गया, देखिए छुट्टियाँ हो रही हैं, और नाम बोला तुम्हारे पापा तो आए नहीं आज, हैं क्या करें, क्या करा ये। तो गए अहमद तो घर पे छोड़ दिया भाई, और अब आ गया नाश्ता लेने के लिए, यानी पराठे।
गाइस घर आ गया हूँ भाई नाश्ता वास्ता लेके अहमद को लेके स्कूल से और नाश्ता लेके साथ आया हूँ। तो गाइस अब करते हैं नाश्ता, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर सोएंगे यार और फिर आप लोग से मिलेंगे तकरीबन 2-3 घंटे के बाद। तो गाइस अल्लाह हाफिज़। 2000 years later. Welcome back guys, यार आपका भाई सो के उठ गया यार, बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की नींद आपके भाई ने ली है यार। और अहमद उठाने आया था कि बाबा मैच आ रहा है, मैच आ रहा है, बहुत टाइट मैच आ रहा है, दो दफा तो मैच में बारिश हो गई। अहमद क्या चल रहा है कंडीशन भाई मैच की? यार अच्छी चल रही है, पाकिस्तान जीत रहा है। पक्का पक्का जीत जाएगा? कितने रन हो गए जी? 200 कंप्लीट हो गए। अल्लाह करे यार भाई पाकिस्तान मैच जीत जाए तो भाई फाइनल में पहुंच जाएंगे। खाना वाना क्या सीन है? बन गया खाना? तो गाइस खाना वाना भी बन गया भाई, खाना देखते हैं क्या बना है। और उसके बाद अहमद यार मुस्तफा तुम मेरा कवर फेंक देते हो आईफोन का यार। लास्ट ओवर चल रहे हैं, 42 ओवर के 38 ओवर हुए और चौके छक्के रिजवान, कौन से रिजवान और इफ्तिखार। हाँ तो मेरे ख्याल से 250 तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। 250 तक अगर टारगेट दे दिया ना अहमद तो हम जीते जीते, लेकिन श्रीलंका को बेटा कम मत समझना, श्रीलंका बहुत टाइट है। रिजवान ने क्या भाई अच्छी कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्टेड स्कोर यानी कि 240 तक पहुंच गया भाई साहब। और ये इफ्तिखार बाबा ने छक्का मार दिया, ये मंकी जंप मंकी भाई। इफ्तिखार भाई आउट हो गए, उन्होंने कैच उठा के दे दिया, 50 होने वाले थे, 3 रन रह गए थे, 47 तो भाई साहब आउट हो गए। थोड़ा सबर से खेलते तो 50 हो जाती तुम्हारी चाचा। बेटा नहीं मत, ओए वो देखो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। नहीं 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 मारो दूसरे को, नहीं मारो नहीं मारो नहीं मारो भाई। ओए यार अहमद बच्चा है वो, तुमने उसके थप्पड़ मार दिया सीने पे यार। ये देखते हैं अभी कहां तक ये प्रोजेक्टेड स्कोर लेके जाते हैं। ओए वो कैच पकड़ लियो यार, स्पाइडरमैन बन गए यार। लास्ट बॉल 248 रन, 7 खिलाड़ी आउट, 5.9 का करंट रन रेट है भाई। और ये इंशाल्लाह चौका मरेगा, चौका पड़ेगा, मरेगा नहीं पड़ेगा, चौका मरेगा, क्या चौका पड़ेगा। आए हाय कुछ भी नहीं पड़ा, ओए चौका हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। 252 का टारगेट दिया फाइनल पाकिस्तान 253 का, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। तो भाई जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, तो अल्लाह करे भाई हमारी बॉलिंग में जरा टायर्ड हो जाए। A few moments later. Guys, पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हो गई और भाई एक ओवर की 5 बॉलिंग हो गई और 6 रन भी हो गए श्रीलंका के भाई, नॉट बैड। शाइन भाई इंशाल्लाह आउट कर देंगे। ये देखें वाइड बॉल, एक ओवर में 2 वाइड है, शाबाश ऐसी करा बॉल आउट हो गया भाई, आउट हो गया भाई। अहमद साहब जरा जरा दुआ अल्लाह से कर ले, पक्का आउट है, पक्का आउट है। अरे रुक जा भाई, आउट है इंशाल्लाह, डायरेक्ट हिट हुआ है और ये आउट हो गया, गुड हो गया यार। शराब भाई ने खुद ही बॉल कराई, खुद ही कैच पकड़ लिया, किसी को तौफीक भी नहीं थी कि कोई कैच पकड़ सके। शुक्र है भाई 2 तो आउट हो यार। इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा और कोशिश करेगा पाकिस्तान, अगर हार गया तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ। तो सो गाइस एक खिलाड़ी और श्रीलंका का आउट हो गया, ये क्या हुआ आउट हो गया तो थर्ड एम्पायर के लिए ऐसे नहीं, वो समझ रहा हो शायद कैच जमीन से लगा है, इस तरह से उसको थर्ड एम्पायर का इशारा करा है कि पहले बैट्समैन ने बोला कंफर्म करो फिर जाऊंगा भाई। मेरे ख्याल से थर्ड अल्लाह करे पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया भाई इसने तो, क्या लश कैच पकड़ा यार, जमीन से नहीं लगा, बचा तो गई, आउट हो गया लगा। शुक्र है भाई, इस वक्त मैच फुल इंटरेस्टिंग मोड में आ गया, 9 बॉल 9 रन और बहुत डेंजरस है, लेकिन चांसेस ज़्यादा मेरे ख्याल से जारी बात है, जो बैटिंग कर रहा था उसी के होते हैं। तो देखते हैं बाकी, अल्लाह बेहतर जानता है भाई कौन जीतेगा। 9 बॉल 9 रन और अहमद साहब फुल टेंशन में है। आपका भाई टेंशन में नहीं है, चल झूठा। अहमद साहब टेंशन में है, क्रिकेट वाले टेंशन में है। ये देखिए ओ आउट हो गया, यस अभी ये क्या हुआ, आउट नहीं हुआ, क्या हुआ भाई आउट हुआ नहीं हुआ, क्या खा के आ गया। अरे 9 बॉल दे दी उसने, फुल टॉस मारी थी ना मेरे ख्याल से, नहीं आउट हो गया, चला गया। हाँ तो पाकिस्तानी प्लेयर को क्यों दिखा रहे खुशियां मनाते हुए, जो आउट हो गया भाई, अल्लाह का शुक्र सो गया, अल्लाह का शुक्र एक और खिलाड़ी आउट हो गया, अल्लाह का शुक्र बोल बदमाशी नहीं कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा, थैंक गॉड, शुक्र अल्लाह का ऐसे जितवा दे। तो यार एक और विकेट ले लीजिए शाहिद अफरीदी ने, अल्लाह पाक इज्जत रख ले, मैच जितवा दे अल्लाह पाक। तुम अंदर ही रहो, तुम बाहर ही ना निकलो, तुम पनौती लग रही हो, तुम मुझे पनौती लग रही हो, तुम अंदर चले आओ। गुड हो गया यार अहमद, अहमद की आंखों में खुशी के आंसू चेक करें, ना रो मेरी बच्ची ना रो। 5 बॉल 7 रन 5 बॉल 7 रन सांसें नहीं, सांसें रुक रही हैं, मैं दिल में आ रहा है, सितारे में अटका हुआ है। ओए ओए सिंगल रन, अबे डबल नहीं लेना, मारूंगा वरना
तीन बोले छह रन। क्या होगा साहब, क्या होगा साहब? अभी भाई ये क्या हुआ, सिग्नल चले गए। अरे यार अहमद ये क्या मुसीबत है यार, ये बड़ा आ गया आ गया आ गया। अल्लाह आउट हो जाए, अल्लाह आउट हो जाए। मार 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 मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, जल्दी सजदे में जा, जल्दी जल्दी। खुशी के आंसू अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, खुशी के आंसू रह गए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे नहीं नहीं आ रहे, निकाल ना, थूक लगा ले भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चौका हो गया यार, एक बॉल दो रन यार। ये देखो यार बंदा कैसे बैठ गया यार, इतनी मेहनत से बॉल करा रहा है, एक बॉल दो रन या अल्लाह, लास्ट बॉल दो रन। हार्ट बीट ऐसी हो रही है, हार्ट बीट बहुत तेज है शामिल खवातीन और रात। सजदे में चले जाओ, अल्लाह से दुआ मांग, सजदे में चले जाओ। मैं बता दूंगा तुम्हारे को कि जीता नहीं जीता। आवाज नहीं निकालने, सिर्फ आंसू भी निकालने। डबल रन ले लिया उसने यार, चौका हो गया, खत्म, हार गया। क्या हो गया, इतनी मेहनत से हारा है। तो गाइस फाइनली पाकिस्तान मैच हार गया अल्लाह के हुक्म से। तो गाइस भाई करते हैं इस ब्लॉग पे एक बार एंड, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू, तुम्हें अल्लाह हाफिज़।